स्ट्रक्चर लेना जरूरी है. सो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. सर देखो यहां पे जब आप यहां पे लिखोगे क्लास एंड क्लास का नाम, क्लास का नाम वही दो जो कि उसके लिए रिलेवेंट हो. तो मैं क्यूए टीम इन्फो करके लिख देता हूं. तो ये क्लास हमने ओपनिंग कर दी और ये क्लास मैंने क्लोजिंग कर दी. ये बन गया हमारा क्लास. तो क्लास क्या होता है? क्लास एक कीवर्ड होता है सर. ये कीवर्ड है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया. और ये उसका आइडेंटिफायर है, उसका नाम है. ये ओपनिंग ब्रेसेस हो गया, ये क्लोजिंग ब्रेसेस हो गया. इसके अंदर हमने एक क्लास के अंदर आने वाले सॉरी एक एक क्लास किसके लिए बनाया गया? किसी ऑब्जेक्ट. तो अब क्वेश्चन ये है, पहले क्लास आया पहले ऑब्जेक्ट आया? क्या पहले आया? क्लास है. पहले क्लास आ गई पहले ऑब्जेक्ट आएगा. पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा ना. आप एज ए ऑब्जेक्ट उनके डेवलपर आप सोचो, अगर क्लास पहले आता तो मैं आपको क्लास से स्टार्ट करता कहां है? तो पहले हाँ वो बात अलग है कि क्लास इज अ वे टू रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट. क्योंकि क्लास के थ्रू ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको क्लास ही समझ में आता है कि क्लास ही पहले आएगा. ऐसा नहीं है. आप एज ए ऑब्जेक्ट डेवलपर जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आता है क्या? ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट की स्टेट आती है, उसकी बिहेवियर आते हैं, फिर उस पर्टिकुलर स्टेट बिहेवियर को इंप्लीमेंट करके प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो, होता है क्लास. तो क्लास क्या होते हैं? ब्लूप्रिंट. ये एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया. अब आप देखो इस प्रोग्राम को कंपाइल करो, यू कैन सी ब्लूप्रिंट मतलब एक 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 सिंपल सा ढांचा हो गया, स्ट्रक्चर, नक्शा तैयार हो गया. ब्लूप्रिंट नहीं समझ में आ रहा है? ब्लूप्रिंट का मतलब मुझे मान लो बनाना है शाही पनीर, मुझे बनाना है शाही पनीर. तो मैं गूगल पे जाऊंगा, ऐसे टाइप करूंगा और यहां पे लिखूंगा कि शाही पनीर कैसे बनाते हैं. शाही हाँ जी, ये लो शाही पनीर. ये देखो बिल्कुल शाही पनीर की रेसिपी है. ये क्या है? ये ब्लूप्रिंट है. ये ब्लू ये शाही पनीर को बनाने का ब्लूप्रिंट है. ये इसको मैंने यहां से शाही पनीर की जो रेसिपी है वो यहां से डाउनलोड कर लिया. तो क्या डाउनलोड कर लिया तो क्या ये हमारा मतलब शाही पनीर बन के रेडी हो गया? नहीं, बिल्कुल जैसे घर बनाते हैं ना, घर का नक्शा पास होता है तो वो ब्लूप्रिंट हो गया. और जब वो घर बन जाता है तो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, इम्प्लीमेंटेड हो जाता है. yes. तो ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शा बना देना, एक फोटोकॉपी समझते हो सिंपल. mm. तो फोटोकॉपी मतलब ब्लूप्रिंट और क्या? दैट्स इट. तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर. आप जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे तो चार तरह से एक्सप्लेन करो. ये नहीं कि बस क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. नहीं, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर. देखो क्लास की कितने सारे डेफिनेशन है. एक और डेफिनेशन हो गया, आप बताओ. अभी आपके सामने डेफिनेशन दिख रहा है ब्लूप्रिंट हो गया. नहीं, आपके सामने एक और डेफिनेशन दिख रहा है ब्लूप्रिंट के अलावा. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. हाँ, डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन का कलेक्शन हो गया. ये नहीं हो गया यहाँ पे? बिल्कुल, क्लास एक कीवर्ड भी है. यहां से देखो ये क्लास. और एक बात मैं आपको बताऊं, जावा के अंदर एक ब्लैंक क्लास, इसमें कोई डेटा नहीं, कोई मेथड नहीं, कुछ भी नहीं. और अगर आप कंपाइल करेंगे तो इट इज वैलिड. तो एक क्लास जो होता है ना, मतलब हमारे माइंड में एक ब्लैंक ऑब्जेक्टिव भी तो हो सकता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव ना हो, कोई भी डेटा नहीं हो. तो फिर उसके लिए भी क्लास बन सकता है. समझ आ रहा है? तो कोई जरूरी है क्लास के लिए डेटा होना जरूरी है, क्लास के लिए मेथड होना जरूरी है, क्लास ब्लैंक भी हो सकता है. तो पहले रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट को समझो, रियल वर्ल्ड में क्लास को समझो, देन कोडिंग में उसे इंप्लीमेंट करो. आई होप आपको चीजें समझ में आ गई. अगर आपको अभी यहाँ कोई कंफ्यूजन है कि रियल वर्ल्ड में और कोडिंग में इसे कैसे समझ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से. चलिए अब मैं आपको ये प्रोग्राम बाद में समझाता हूँ.
पहले मैं आपको बता देता हूं सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास इन जावा। जावा में क्लास को बनाने का एक सिंटैक्स होता है राइट और वो सिंटैक्स क्या होता है जावा में क्लास को बनाने का सिंटैक्स होता है सबसे पहले आप क्लास कीवर्ड लिखते हो देन क्लास का आइडेंटिफायर लिखते हो राइट देन ओपनिंग क्लोजिंग करते हो राइट और क्लास के अंदर होता क्या है डेटा डेटा नंबर होता है बिल्कुल सही बात है और दूसरा क्या होता है नंबर फंक्शन डेटा मेंबर को ही स्टेट बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं मेंबर फंक्शन को बिहेवियर बोलते हैं और तीसरा जो होता है क्लास के अंदर होता है स्पेशल स्पेशल मेंबर फंक्शन राइट स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है यहां पे डेटा मेंबर के आगे मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा मेंबर फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट लगा देता हूं ये डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन के आगे ब्रैकेट क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं मैं इसको ऑप्शनल मान के चल रहा हूं कि इट इज ऑप्शनल फॉर क्लास मतलब जहां पे आपको ये वर्ड ये देखे ना जैसे डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन ऑप्शनल होते हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन के अंदर स्पेशल मेंबर फंक्शन के अंदर एक होता है कंस्ट्रक्टर ठीक है वो नहीं होता ऑप्शनल इनिशियलाइजर वो ऑप्शनल होता है इनिशियलाइजर्स के अंदर दो ब्लॉक आते हैं एक आता है इनिट ब्लॉक और एक आता है स्टैटिक ब्लॉक राइट तो ये ऑप्शनल होते हैं सर ये होता है ऑप्शनल हाँ ये इनिशियलाइजर हो गया ना तो इनिशियलाइजर ये मैं यहां से यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं ठीक है तो जावा के अंदर एक क्लास के अंदर क्या क्या होता है कुछ नहीं डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन एंड स्पेशल मेंबर फंक्शन स्पेशल मेंबर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर इनिशियलाइजर के अंदर इनिट ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो सिंबल है इसके आगे हमने नहीं लगाया कौन सा सिंबल सर वो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंबल नहीं लगाया ऑप्शनल वाला हाँ ऑप्शनल वाला क्योंकि ऑप्शनल नहीं होता है क्लियर है एक क्लास के अंदर ये इतनी चीजें इनिट ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर इन सब के बारे में हम जाने जी नहीं मैंने यहां बताया ऑप्शनल होता है आपकी मर्जी आप बनाओ ना बनाओ हाँ क्योंकि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो भाई देखो आप कोई चीज सोचते हो कि मुझे ये बनाना है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्लैंक भी चीज हम सोच सकते हैं कि हमें कुछ नहीं बनाना है या हम अभी सोच लें कि भाई आगे चल के हम ये बनाने वाले हैं लेकिन क्या बनाने वाले हैं हमें पता ही नहीं है तो वो चीज हम अपने यहाँ पे बना के रख सकते हैं एक बार और जब उसे इम्प्लीमेंट करना होगा हम देख लेंगे हाँ जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अब आइए अब अगर हम इस प्रोग्राम को ओपन करें QA info यहाँ पे .java को ओपन करें तो मैंने एक क्लास बना लिया है क्लास का आइडेंटिफायर बना लिया है देन उसका डेटा बना लिया है और मेथड बना लिया है राइट क्या आपने इस प्रोग्राम में यहाँ पे कहीं ये देख पा रहे हो कि ये मेरा QA info है या ये QA है जिसका नाम ये है उसका मोबाइल नंबर ये है ये कहीं देख पा रहे हो आप नहीं देख पा रहे हो ना तो इसीलिए तो ये ब्लूप्रिंट है इसीलिए तो ये ब्लूप्रिंट है अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो कि हमारे पास कितने क्यूए हैं उनका क्या नाम है उनकी क्या डिटेल है तो इसीलिए तो ये ब्लूप्रिंट है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट तो ऑब्जेक्ट के लिए आपने क्लास बना दिया क्लास ने ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया बट अभी हमारे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो अगर मैं किसी एक्सेल सीट में किसी क्यूबे का नाम उसके प्रोजेक्ट का नाम उसका मोबाइल उसका एज उसकी सारी डिटेल लिख रहा हूं
तो कहीं ना कहीं उसकी सारी डिटेल एक एक सेल में लिखूंगा, है ना। जिस सेल में लिखूंगा, जैसे मैंने पहले सेल में पहले इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन लिख दी, दूसरे सेल में तीसरा रिकॉर्ड लिख, दूसरा रिकॉर्ड लिख दिया, तीसरे में तीसरा रिकॉर्ड लिख दिया, तो जहां पे हम रिकॉर्ड लिखेंगे वो एक स्पेस तो घेरेगा ना, जगह तो घेरेगा। बिल्कुल उसी तरह से जब आप प्रोग्राम यहां पे बना रहे हो, तो अगर कोई क्यूए की टीम की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करानी है, तो उसके एक मेमोरी स्पेस तो देना जरूरी है ना, मेमोरी तो एलोकेट करना है ना। वो जो मेमोरी एलोकेट करोगे वो इस क्लास की इंप्लीमेंटेशन होगी, उससे उसकी एक आइडेंटिटी तैयार होगी मेमोरी के अंदर। अभी आप पूछ रहे थे कि सर देखो ऑब्जेक्ट का स्टेट तो हमने ले लिया, एक बिहेवियर तो हमने ले लिया, उसकी आइडेंटिटी नहीं तैयार हुई, क्योंकि उसको मेमोरी नहीं मिली ना, तो कैसे आइडेंटिटी तैयार होगी। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब इस क्लास का हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिली है, क्लास में ब्लूप्रिंट, क्लास का कोई अपना अस्तित्व नहीं है जब तक इसका ऑब्जेक्ट ना बने। जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब तक इसको कोई भी मेमोरी एरिया, कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होगा। जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मेमोरी में एक स्पेस, एक एरिया रिजर्व कर देगा, इसकी एक आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। तो क्लास इज ओनली अ ब्लूप्रिंट। कोई कंफ्यूजन सर? फिर ये कैसा रियली ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट जो माइंड में सोचा था हमने। चलिए देखिए, अगर आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रोग्राम, चलिए देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, हमने लिखा जावा सी क्यूए इन्फो डॉट जावा, कंपाइल हो गया, फिर जावा और क्यूए ऐसे रन हो जाएगा। पहले चीज तो कह रहा है कि प्लीज डिफाइन मेन मेथड, चलो मेन बना लेते हैं। रन करने के लिए मेन की जरूरत होती है, एंट्री पॉइंट को मेंटेन करता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने मेन बना लिया, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, बताओ कुछ आउटपुट आया? कुछ आउटपुट आया आपके सामने किसी क्यूए की कोई इंफॉर्मेशन, कोई नाम? तो फिर कैसे ऑब्जेक्ट मानोगे? क्योंकि जब आपके एक्सेल सीट में कोई क्यूए का डिटेल होता है तो वो एक जगह घेरता है, तो उसी तरह से अगर कोई भी क्यूए को मेमोरी एलोकेट होती ना, तो वो एक जगह तो घेरता, अभी मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ, उसके लिए कोई एरिया रिजर्व भी नहीं हुआ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना, समझे आप? तो जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। क्लास इज ओनली ब्लू प्रिंट, मैंने आपसे कहा ब्लू प्रिंट। अब जैसे ये है, ये हमने शाही पनीर का सारा रेसिपी यहां से निकाल लिया, निकाला, तो ये रेसिपी जो मैंने निकाल के रख लिया, तो क्या शाही पनीर बन गया? नहीं ना, बनाना पड़ेगा। उसी तरह से ये हमने क्लास बना लिया, मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ये ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया। अब इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मेमोरी में एक स्पेस घेरेगा, एक एरिया रिजर्व करेगा, एक्चुअली हमें समझ में आएगा ये ऑब्जेक्ट बन गया, उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, अभी यहां पे नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट तो आप ऐसा भी समझा सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हम कई तरह से समझा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ल्ड से समझा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कोडिंग पॉइंट से समझा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मेमोरी पॉइंट से समझा सकते हैं। तो द टर्म ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इन सो मेनी वेज। ऑब्जेक्ट की जो टर्मोलॉजी है, आप इसे लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हम कई तरह से समझा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हैं, रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्ट को हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट को हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। चार तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को समझने के। अगर ये बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इन फोर वेज, इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन बी मेमोरी एक्सप्लेन फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम क्लास पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, ये इतने तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को समझाने के, समझने के। ठीक है, तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट को केवल और केवल आपको रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट को कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। अब पता है क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए, हम करेंगे क्या इस मेन मेथड में, मेन मेथड में क्यों, क्योंकि मेन मेथड सबसे पहले चलता है। मेन मेथड के अंदर लिखेंगे न्यू, ये न्यू, एंड देन लिखेंगे क्लास का नाम, और ऐसे लगाएंगे पैरेंथेसिस, और यहाँ लगाएंगे सेमी कॉलन। ये इतना जो ये है, ये एरिया न्यू के साथ जो लिखा गया है, इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है कोडिंग में, ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। तो ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका होता है, ऑब्जेक्ट बनाना मतलब मेमोरी एलोकेट कराना। जैसे हमने लिखा न्यू और क्यूए इन्फो, इस क्लास का हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन। अभी नहीं बना, जब हम इसको ऐसे करेंगे कंपाइल, अभी भी नहीं बना क्योंकि ये अभी कंपाइल हुआ है। जब हम करेंगे जावा स्पेस क्यूए इन्फो, जैसे हम इसको रन करेंगे, ये जो जावा नाम का टूल होता है ये जेवीएम को चलाता है, और जेवीएम सबसे पहले हमारी क्लास को मेमोरी में लोड करता है, और वहां पे मेन को सर्च करता है, मेन की लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन करता है। पहली लाइन उसे मिली न्यू, न्यू और ये क्यूए इन्फो, ये लाइन मिला, और ये मिलते ही हमारे कंप्यूटर में, जैसे एक्सेल सीट में एक सेल मेंटेन हुआ, ऐसे कंप्यूटर में एक मेमोरी एरिया रिजर्व हो, यानी कि कुछ इस तरह से। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, ये हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, एमएस वर्ड आपको यहां समझा देता हूं कुछ इस तरह से। जैसे देखो, जैसे ये आपने क्या पावर पॉइंट भी ओपन कर सकते थे, कहीं से भी आप इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये कुछ ऐसे हुआ कि यहाँ से आप सेप ले लीजिए, यहाँ पे ये बहुत सारे सेप हैं, सेप कहाँ पे मिलेगा हमारा सेप डिज़ाइन, यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ इंसर्ट है, यहाँ आइकन है, होम या होम पेंट में, तो हमारा जल्दी मिल जाएगा, हम पेंट में ही ओपन कर लेते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, पेंट ओपन कर लीजिए, यहाँ देखिए सेफ है। तो ये जो ये समझ लो, ये कंप्यूटर के अंदर ये हमारा रैम मेमोरी एरिया हो, ठीक है ना। तो इस रैम मेमोरी एरिया के अंदर आप यहाँ से एक कोई वर्ड लिखने के लिए, यहाँ पे मैं ये ऐसे ले लेता हूँ कि रैम मेमोरी एरिया हो। इस रैम मेमोरी एरिया के अंदर ध्यान से समझिएगा, ये एक, क्योंकि रैम मेमोरी एरिया बहुत बड़ी है, उस मेमोरी एरिया के अंदर ये एक सिंगल मेमोरी एरिया, अच्छा रैम मेमोरी एरिया के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें से ये एक पार्ट बड़ा सा होता है, इसको बोलते हैं हीप एरिया। कौन सा मेमोरी एरिया? हीप एरिया। तो ये हमारा एक हीप एरिया हो गया, हीप मेमोरी एरिया, हीप मेमोरी, ठीक है। और हीप मेमोरी के अंदर, जो हीप मेमोरी हमारी एलोकेट हुई है, उसके अंदर ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो बना है ना हमारा, वो यहाँ पे जाके ऐसे स्पेस एलोकेट कर लेगा, और उसके अंदर हमारे क्लास के जितने भी डेटा हैं, ये सारे डेटा वो जाके वहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा बनाया गया है, इसके अंदर यहां पे जाके स्टोर हो गए, ऐसे ये जाके स्टोर हो। तो ये कहानी हुई, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपको माइंड में ये जो चीजें मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये आपको अपने माइंड में बना के रखना होगा कि ये इतना चीज हो चुका है। ये सेप पे यहां पे एक बार टेप करता हूं, एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं है, ये एक मिनट, यहां पे ये सारे सेप जितने भी हैं ये अलग अलग हैं, और सबको हम
रिसाइज तो कर सकते हैं, इसको मैं रिसाइज यहाँ करना चाह रहा हूँ, नहीं सेव नहीं करना है ना मुझे, इसको रिसाइज करना था थोड़ा, इसे बड़ा करना है, ये वाला सेव, यानी कि चलो कोई बात नहीं, ये जो हमारा एरिया है ये इतना, ये ऑब्जेक्ट के लिए जो बनाया गया है, ये हमारे डेटा मेंबर होंगे, और इसकी अपनी यहाँ पे एक आइडेंटिटी जनरेट हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, हमारी आईडी बन गई, ये आईडी तैयार हो गई ऑब्जेक्ट की। मतलब फिर से मैं बताता हूँ, जैसे ही आपने एक क्लास का, यानी कि इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, न्यू और क्लास का नाम लिखते हैं, तो जैसे ही आपने न्यू और क्लास का नाम लिखा, तो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी एरिया के अंदर हीप मेमोरी एरिया होती है, जेवीएम के अंदर होती है, ऐसा आप बोल सकते हो, और वहां पे एक मेमोरी एरिया, एक मेमोरी स्पेस रिजर्व हो गया, ठीक है, उसकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ऐसा आप बोल सकते हो आइडेंटिटी तैयार हो गया। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे ये देखिए, यहां पे उसकी आइडेंटिटी तैयार हो गई। आपने कहा सर वो आइडेंटिटी आप दिखाइए, प्रिंट कराइए, आप एक काम करो, इसको आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम के अंदर डाल दीजिए, ये इतना पूरा आपको उसकी आइडेंटिटी प्रिंट करके ये दिखा देगा। देखिए ये कंपाइल हो गया, और आप लिखोगे जावा, या आप प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड यहीं से चला दो, ये देखो उसकी आइडेंटिटी, ये उसकी आइडेंटिटी है, @15 डिग्री 9742।